हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राशिद खान। आप देख रहे हैं खान यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखा रहा हूं सऊदी अरब के गांव का व्लॉग। तो ये वीडियो मेरे दोस्त ने सऊदी अरब से भेजी है। मेरे दोस्त का नाम है मोहम्मद उमर और वो सऊदी अरब में रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है और बताया कि वहाँ के गाँव और गाँव में लोगों के घर कैसे होते हैं। तो वही सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अभी जो फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये है सऊदी अरब के रोड, ये गांव की रोड है जो आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको मैं ले चलता हूँ गांव के अंदर और वहाँ के आपको घर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आ चुके हैं गांव के अंदर और अब देख सकते हैं सऊदी अरब के में गांव कैसे होते हैं और वहाँ के लोगों के घर कैसे होते हैं। आप देख सकते हैं एक सामने घर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है। ये बाहर से कुछ और अंदर से बहुत ही खूबसूरत घर ये होते हैं। और देख सकते हैं आप, यहाँ पर सऊदी अरब में कुछ इस तरह से भी घर बने होते हैं और यहाँ पर सन्नाटा बहुत रहता है। तो मैंने पूछा भी था कि यहाँ सन्नाटा इतना क्यों रहता है, तो मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, इस वजह से यहाँ पर लोग बहुत कम निकलते हैं, जब कोई काम होता है तभी निकलते हैं। सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से भी घर बने हुए हैं। और अभी आपको ले चलते हैं यहाँ पर एक मस्जिद दिखाएंगे सऊदी अरब की। और देख सकते हैं गांव के अंदर रोड कैसी बनी हुई है, बहुत साफ सफाई यहाँ पर है जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और दोस्तों, यहाँ की जो रोड होती है बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर भी रोड के चारों तरफ लाइट लगी हुई है। आप देख सकते हैं सामने ये मस्जिद है, ये सऊदी अरब के गांव की मस्जिद है जो आप देख सकते हैं वीडियो में। ये बाहर से कुछ इस तरह से दिख रही है लेकिन ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। और यहाँ पर बाहर से ही दिखाया गया है और ये थोड़ा गांव के बाहर का सीन है जो आप देख सकते हैं। ये गाँव के बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर हर घर में, हर रूम में, हर जगह पर एसी लगी होती है और हर दुकान जो आपको छोटी से छोटी अगर दुकान भी मिलेगी तो वहाँ पर भी एसी लगी होती है। तो मेरे दोस्त ने बताया यहाँ पर गर्मी बहुत होती है तो बिना एसी के यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। हाँ, जो बाहर निकलते हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, इंडियन जो होते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं या और कोई काम करते हैं बाहर निकलते हैं, तो उनके लिए थोड़ी परेशानी होती है कि उनको बाहर निकलना होता है। हाँ, गाड़ी में जो बैठते हैं तो ऐसी होती है, अगर बाहर निकलते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। और ना अगर वहाँ पर हर रूम में, हर दुकान में, हर जगह पर ऐसी लगी होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये रोड का सीन है और ये कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और सऊदी अरब में रोड बहुत चौड़ी होती हैं और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता और यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा होती है। और सऊदी अरब में लोगों के घर काफ़ी खूबसूरत बने होते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। जब गांव में इतनी साफ़ सफाई है, इतनी चौड़ी रोडें बनी हुई हैं और इतने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर शहरों में कैसा माहौल होगा, शहरों की रौनक कैसी होगी। और दोस्तों, इस वीडियो में जितना भी व्लॉग दिखाया है ये सब एक ही गाँव का है। यहाँ पर गाँव बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये भी सब गाँव के घर बने हुए हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं। रोड के चारों तरफ लाइट लगी हुई है और गांव में घर बहुत दूर दूर बने हुए हैं, बंगले टाइप के घर बने हुए हैं बड़े बड़े। और देख सकते हैं काफ़ी दूरी पर घर बने हुए, जैसे यहां पर इंडिया में होते हैं एक जगह पे बहुत सारे घर होते हैं, वैसे वहां पर नहीं हैं, बहुत दूरी दूरी पर घर बने हुए हैं। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर कितना सन्नाटा है और काफ़ी दूर दूर घर बने हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ घर बड़े बने होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं, कुछ बंगले टाइप के बने होते हैं तो कुछ बिल्डिंग टाइप के बने होते हैं। और दोस्तों, ये व्लॉग मेरे दोस्त ने बनाया है, उनका नाम है मोहम्मद उमर और वो सऊदी अरब में रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि दिखाइए कि यहाँ पर लोगों के घर कैसे होते हैं और गाँव कैसे होते हैं सऊदी अरब में। तो वही सब मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल खान यूट्यूबर को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल खान यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।
तो मैं इसी चैनल पे ब्लॉग की वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।